सबके घर में कुछ ना कुछ रोटियां तो बची जाती हैं, उसके बाद वो वेस्ट होती हैं या फिर आप उसे गाय को डालते हो। लेकिन आज बची हुई रोटियों की बहुत ही अच्छे से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप शाम की चाय के साथ और छोटी मोटी क्रेविंग के लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसके लिए दो रोटियां ले लेनी है। यहाँ पर मैं ताजी रोटियां ले रही हूँ, आप इसके लिए बासी रोटी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रोटी लेना है, इसे अच्छे से फोल्ड करना शुरू कर देना है। फोल्ड करते हुए आपको इसे एकदम टाइट रखना है, एकदम टाइट करके ही आपको इसे फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं कैची ले रही हूँ, उसके बाद हम इसे छोटे छोटे से पीसेस में इस तरह से कट करेंगे। आप इसे बहुत पतले पतले से इंच के गैप पे ही कट करिएगा, बड़े बड़े गैप पे कट नहीं करिएगा। आप जब इसे पतला पतला सा कट करेंगे तो हमारी जो लेयर्स निकलेंगी ना, वो काफी पतली निकलेंगी इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पर एक रोटी कट गई है, इसी तरह से मैं दूसरी रोटी भी काट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ज्यादा अनोखी है, नई सी है, पूरा जरूर देखें। वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा, पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से सारी की सारी रोटियां हमने कट कर ली है, बहुत ही पतली पतली सी। आपको यहाँ पर मोटी नहीं काटनी है, एकदम पतली काटनी है। जितनी पतली आप काटेंगे, आपकी जो रेसिपी है उतनी ज्यादा परफेक्ट और अच्छी बनेगी। तो देखिए, दो रोटियां काट लिया है, आप देख सकते हैं, हम इसे खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर रोटी की आपको कतरन सी मिल गई है। अब क्या करना है, इसमें हमें डालना है एक छोटा चम्मच मैदा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा यहाँ पर चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। एकदम नमक मिर्च डालेंगे ना तो इसका सीटापन सब निकल जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे की कोटिंग रोटियों के ऊपर हम बहुत अच्छे से करेंगे, सारी रोटियों पर अच्छे से मैदे की कोटिंग हो जानी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर अच्छे से रोटियां हमारी कोट हो चुकी हैं। अब हम इसे कर देंगे साइड, अब हमें छूना नहीं है बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 2 से 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं। इसे आप किसी ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं या हाथ से भी। यहाँ पर आपको इसमें लंप वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें गुठलियां भी होती हैं तो इस रेसिपी में चल जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं इसे हाथ से ही सिंपली मैश कर ले रही हूँ, आप चाहें तो ग्रेटर ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आलू ठंडा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर आपका आलू गरम गरम है तो बहुत ही जल्दी से मैश हो जाएगा। तो यहाँ पर आलू को आपको मैश कर लेना है। अगर आप इससे ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 8 से 10 आलू ले सकते हैं। अगर आप 2 से 3 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2-3 आलू से ही काफी सारे बन जाते हैं। ये शाम की चाय के लिए बहुत ही परफेक्ट सा स्नैक है। आज से पहले आपने इस रेसिपी को कहीं नहीं देखा होगा, फ्रेंड्स मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ। इसमें मैं आधा कप गाजर डाल रही हूँ ग्रेट की हुई और हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हो। इसके साथ ही हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम धनिया ऐड कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो बहुत ही बेसिक से मसाले जाते हैं इस रेसिपी में। सबसे पहले नमक डालेंगे, उसके साथ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा टैंगी सा फ्लेवर आएगा। उसके साथ ही भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है हमने इसमें, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड करे हैं मैंने इसमें, और अब लास्ट में हम डाल रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद इसमें आप डाल दें ब्रेड क्रम, ब्रेड क्रम नहीं है तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो 2 बड़े चम्मच यहाँ पर हम ब्रेड क्रम का यूज कर रहे हैं। ब्रेड अगर आपके पास पड़ी हो तो सिंपली आप ब्रेड को मिक्सी में ग्राइंड करके भी यूज कर सकते हैं। बर्तन छोटा था इसलिए मैंने दूसरे बर्तन में इसे शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर मिक्स करना है। ये बहुत ही चटपटी सी फ्रेंड्स फिलिंग बन के तैयार होती है, और ये जो स्नैक है ये भी बहुत ज्यादा चटपटा बन के तैयार होगा एक बार अगर आप इसे बनाएंगे तो। यकीन मानिए, आप रोटियां रोज बचा के रखेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो अगर आपको अभी तक ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो अब देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपको थोड़े थोड़े से पोर्शन ले लेना है, कट करके इस तरह से इवेनली आप यहाँ पर, या फिर आप किसी चीज से भी कट कर सकते हैं ताकि ये एक ही शेप के बराबर के बने। तो आपको इसे फ्लैट कर लेना है, फ्लैट करके हल्का सा चपटा करेंगे। और देखिए, इस तरह का शेप मैं यहाँ पे दे रही हूँ। आप इसे गोल शेप में जिस तरह का शेप देना चाहें, फ्लैट करना चाहें, टिक्की का शेप देना चाहें, उस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसे फ्लैट करके इस तरह बना रही हूँ। तो एक एक करके फ्रेंड्स यहाँ पर हम सारे के सारे आलू के जो पीसेस हैं इस तरह से बाइंड करके इन्हें शेप दे लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको काफी सारी न्यू और बहुत ही कम बजट वाले स्नैक की रेसिपी मिल जाएंगी।
आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। अगर आप मेरी रेसिपीज देखते हो तो आप घर पे ही सारे स्नैक बना के तैयार करके रखोगे। और इस दिवाली मैंने आपके साथ बहुत सारी ऐसी रेसिपीज शेयर की हैं जो आप घर पे ही बना सकते हो, बाहर से मिठाइयां वगैरह लाना भी आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो देखिए बातों ही बातों में यहाँ पर हमारे सारे नाश्ते के पीसेस बनके तैयार हो गए। एक लास्ट बचा है, इसे भी हम अच्छे से इस तरह से रोल करके फ्लैट कर लेंगे। तो देखिए इतने आलू में हमारे 7 से 8 पीसेस बनके तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपको ले लेना है एक कटोरी। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लावर ले ले आप, नहीं है तो सिंपली घर का आटा भी ले सकते हैं गेहूं का। तो अब क्या करना है, इसमें हमें पानी डाल देना है। पानी डालकर इसे हम 1 चम्मच से मिक्स करना शुरू कर देंगे। आपको यहाँ पर एक गाढ़ा सा घोल बना के तैयार करना है, पतला नहीं होना चाहिए, एक गाढ़ा सा घोल आपको यहाँ पे इसका तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, थोड़े से ज्यादा ही पड़ गए बट ये तीखे नहीं होते तो कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इनको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। देखिए यहाँ पर हमारा जो फेविकोल है ये बनके तैयार हो चुका है। जी हाँ, आप इसे फेविकोल ही कह लें, ये फेविकोल का ही काम करता है। इसे हम एक आलू का पीस उठा के इस तरह से डिप करेंगे और उसके बाद जो रोटी की हमने कटिंग तैयार की थी इसमें हम इस तरह से रोल करना शुरू कर देंगे। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से इसके ऊपर ये जो रोटी की कटिंग है ये लग जाएगी इस तरह से, और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब आप इसे बना के तैयार करेंगे तो ये देखने में भी और खाने में ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो दूसरा पीस भी मैं इस तरह से डिप करूंगी, उसके बाद फिर से हम रोटी के ऊपर इसे इस तरह से कवर करना शुरू कर देंगे। तो पूरी रोटी को हम इससे आलू के मसाले से कवर कर लेंगे। अब देखिए एक एक करके यहाँ पर मैं सारे के सारे स्नैक्स बना के इसी तरह से रेडी कर लूंगी। 2 रोटियों में हमारे 7 से 8 बनके तैयार हो जाएंगे। अब तेल को आपको गर्म कर लेना है, यहाँ पर हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा तेल में आपको इसे फ्राई नहीं करना है। तो एक एक करके सारे पीसेस हम इसमें इसी तरह से डालेंगे, जब एक तरफ से ये अच्छे से सिक जाएंगे तभी हम इसे पलटेंगे। आपको इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, धीमी आंच में इसे फ्राई न करें वरना ये रोटियां इसके ऊपर से निकलने लगेंगी। तो तेज आंच में आप इसे उलट पुलट के फ्राई करें। इसे फ्राई करने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। 2 मिनट आप एक साइड फ्राई करें फिर पलट के आप इसे दूसरी साइड से भी फ्राई कर लें। तो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, बस आपको इतना ही फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तब तक आपको इसे फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए कितने बढ़िया से हमारे जो बची हुई रोटी से टेस्टी से स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं। ये बच्चों को भी काफी पसंद आएगा और अगर आप इसे शाम की चाय के साथ बनाते हैं तो भाई मजा आ जाने वाला है। तो देखिए इसका क्रिस्पीनेस बहुत अच्छा आया है, ऊपर से बहुत क्रिस्पी होते हैं आप देख सकते हैं इसका कुरकुरापन और अंदर से नरम नरम। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो।